और गिव अवे के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। तो भाई लाइव अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप भी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, और जिसको भी शेयर करना है उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। बट बॉलीवुड लवर, हाय 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 हाय, और कैसे हो भाई? यार नेट इशू होने की वजह से यार देखो बाहर लाइव आना पड़ रहा है, ठीक है, बट मैंने सोचा कि यार करना तो ही। तो अभी नमस्ते 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 नमस्ते, और कैसे हो? और लव फ्रॉम राजस्थान वाइस, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ सभी। अमित बड़ा बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ, सब सब ज्वाइन कर लो। उसके बाद एक एक करके अपने पास रहेंगे 20 क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी हम एक एक करके सबसे पूछने वाले हैं, ठीक है, और आपको उसका रिस्पॉन्स देना। और इसकी सबसे बढ़िया कि रिस्पॉन्स जिसका सबसे पहला आएगा, उसका वो क्वेश्चन, उसका वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, जिसका रिस्पॉन्स सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो आप रेडी रहो, क्योंकि रिस्पॉन्स जितनी जल्दी आप क्वेश्चन समझोगे उतनी जल्दी रिस्पॉन्स दे पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको रिस्पॉन्स जल्दी देना है, ठीक है। तो तुषार शर्मा, आई एम रेडी भाई, रेडी रहो। तुषार शर्मा एक हेल्प करेगा हमारी। तुषार एक कॉपी और एक पेन लेकर आ जा मेरे पास, क्योंकि मैं अभी कॉपी पेन लाना भूल गया हूँ कि भाई अगर बाई द वे किसी का आंसर गलत होता है सही होता तो उसका नाम लिख लेना है, ठीक है, क्या होता। तो रेडी ब्रो, रेडी रेडी, और 1 मिनट और देखते हैं और कौन कौन ज्वाइन हो जाता। बाहर हूँ ओ भाई, ये भाई गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग देव चौधरी, गुड मॉर्निंग, और कैसे हो? लव यू सर, हाय हाय हाय, कैसे हो? तुषार किसको है भाई? सर सर मेरे पास परसों इंस्टाग्राम की चैट की थी, हाय हाय। और सभी लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। नीतीश कुमार हाय। तो हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तुषार कैसे हो भाई? बढ़िया हो, तुषार से पूछ लो कैसे हो। वॉलीज वॉलीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे सर? देखो वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन लव फ्रॉम कश्मीर कोलकाता, वैसे तो क्वेश्चन वॉलीबॉल से रिलेटेड ही होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हेलो 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 हेलो, आप क्या कर रहे हो भाई? लव फ्रॉम कर्नाटक, तो क्या करें हम, स्टार्ट करें क्वेश्चंस? अगर आप 1 मिनट वेट करोगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, मेरे पास पेन नहीं है, मैं पेन लेकर आऊँ, क्योंकि यार नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप सिर्फ 1 मिनट वेट करना, कोई जाना मत, अभी सबका लाइव यहीं होगा। मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 10 सेकंड, मैं पेन लेकर आता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है लो भाई, दो वैसे लो, अपने पास आ गया पेन, अपने पास आ गई कॉपी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे लगभग 50 के समथिंग लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और जिसका भी आंसर सबसे पहला होगा, ठीक है, सबसे पहला आंसर जिसका भी कमेंट में आएगा, ठीक है, वो करेक्ट माना जाएगा। तो मैं पूछने वाला हूँ आपसे 20 क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा 20 क्वेश्चंस, ठीक है, तो स्टार्ट करें।
यस लिख के भेजो, स्टार्ट करना है। तो आवाज़ आ रही है सबको, क्लियर? साउंड क्लियर है? आशीष राज स्टार्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यस 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 यस, ठीक है। तो बाय द वे भाई, कभी कट हो जाए लाइव तो कोई जाना नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा कभी कट हो जाए तो। वैसे तो कट होगा नहीं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। 7 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ मैनी प्लेयर इन वॉलीबॉल कोर्ट इन टीम, थोड़ा सा गलत, हाउ मैनी पीपल्स ऑन ईच टीम आर इन द कोर्ट। ओ माई गॉड, सबसे पहला आंसर आया भाई। यस ब्लॉग, पहला आया अंजू, ANJ, अंजुल अंजुल आर यू अंजुल राडोला। अंजुल राडोला का पहला आंसर सही आया है, ठीक है। कि वॉलीबॉल कितने प्लेयर होते हैं कोर्ट में, ठीक है, अगर हम खेलते हैं तो वॉलीबॉल में। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ वॉलीबॉल। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ वॉलीबॉल। ऑप्शन में फर्स्ट वॉलीबॉल, सेकंड मिंटोनिटी। ओ माय गॉड, ये भाई राहुल विश्वास, सबसे पहला आंसर आया भाई विश्वास का। विश्वास, विश्वास का पहला आंसर सही भाई, ये गलत है। मिंटोनिटी, एक और आया मंजू, बट विश्वास ने सबसे पहले आंसर दिया था, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, अब है तीसरा। देखो आप ऑप्शन भी सुन सकते हो, ठीक है, मैं ऑप्शन ही बताऊंगा आपको, दो ऑप्शन बताऊंगा, बट उससे पहले ही रिस्पॉन्स आ जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो भी आपके ऊपर डिपेंड है यार, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप पहले ही रिस्पॉन्स मत कर दो, ऑप्शन भी सुन लो। नहीं सुनना तो भाई पहला जिसको रिस्पॉन्स करना हो रिस्पॉन्स कर भी सकता है, ठीक है। तो अब आता है भाई तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सुनो। व्हेन वाज वॉलीबॉल क्रिएटेड, वॉलीबॉल क्रिएट कब हुआ था, वॉलीबॉल जो गेम हो कब क्रिएट हुआ था। व्हेन वाज वॉलीबॉल क्रिएटेड, भाई सबसे पहला आंसर आया है विश्वास। 18, भाई सबसे पहला आया विश्वास, विश्वास को 2 पॉइंट मिल जाते हैं। विश्वास का भाई सबसे पहला आया किशन यादव, बहुत सारे लोग हैं पर विश्वास का सबसे पहला आया आंसर, ठीक है। और ज़्यादातर जो गेम है ये क्वेश्चन है वो सब क्विज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो वॉलीबॉल से रिलेटेड है। 80-95 सबसे पहला भाई विश्वास के, दो आंसर सही हो गए, तीसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, फोर्थ क्वेश्चन, हु क्रिएटेड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल किसने बनाया था, हु क्रिएटेड वॉलीबॉल, इसके हु क्रिएटेड वॉलीबॉल। आनंद, सचिन सेन, विलियम जी मॉर्गन, हर्षित, हर्षित हर्षित, सबसे पहला आंसर आया भाई, सबसे पहला आंसर पाकिस्तान, नॉट, ये आया भाई हर्षित, हर्षित इनकी, इसके विलियम, भाई ये जो हर्षित का पहला आंसर आया था इसमें क्या है, इसमें स्पेलिंग गलत है, विलियम एम मॉर्गन लिखा है, जो कि विलियम एम मॉर्गन नहीं है, सचिन सेन का विलियम जी मॉर्गन, स्पेलिंग गलत है। और विश्वास का विलियम जी मॉर्गन, भाई ये सही है, इनकी स्पेलिंग सही है। तो तीसरा
विश्वास के हो गए हैं 3 पॉइंट्स, विश्वास के 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन में से उन्होंने 3 के जवाब सही दिए हैं, ठीक है। और भाई विलियम जी मॉर्गन भाई थोड़ा फास्ट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन भाई कह रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या, भाई स्पेलिंग तो देखी जाएगी नहीं यार। विलियम जी मॉर्गन, ठीक है। आगे है आगे हमारा 5th क्वेश्चन, वेन वर द फर्स्ट वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया की सबसे पहली चैंपियनशिप कब हुई थी, ठीक है ये बताओ। वेन वॉज द फर्स्ट वॉलीबॉल चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड कब हुई थी। एक 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 भाई भाई पहला आंसर सही है भाई, अंजुल अंजुल, ये जिसका पहला आंसर सही था अंजुल अंजुल राडोला, अंजुल राडोला का आंसर सही है। और ये कौन है यार, रोहित गाल लिख के भेज रहा है, लिख दो भाई कौन है। कोई नहीं साले, मैं पागल हो गया क्या। जापान जापान जापान, ठीक है। तो पहला इसका इसका आंसर सही हुआ, इसका आंसर है 1949, जिसका आंसर दिया है अंजुल अंजुल, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है व्हाट आर पॉइंट कॉल्ड इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के अंदर जो पॉइंट हम मतलब गिनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम गोल कहते हैं, पॉइंट कहते हैं या स्कोर कहते हैं, क्या कहते हैं। जो भी हम वॉलीबॉल के अंदर जो पॉइंट काउंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको भाई पहला आंसर सिमरन सिंह स्कोर, नहीं अंजुल अंजुल का आंसर सही है, अंजुल का ये हो गया 3रा पॉइंट, ठीक है। इसको हम पॉइंट कहते हैं, जो भी हम पॉइंट गिनते हैं। नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेयर हु स्पेशलाइज्ड इन डिफेंस कॉल्ड इन वॉलीबॉल। चीटिंग हो रही है सर, राजेश भाई। एक है छवि चौहान जिनकी LIB, उनकी स्पेलिंग गलत थी, उसके नीचे राजेश राजेश है, उनकी स्पेलिंग सही है LIV यार, तो ये राजेश का आंसर सही होता है, राजेश राजेश, तो राजेश का ये आंसर सही है, तो राजेश का ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और ये जो विश्वास विश्वास पिछली बार मेरे ख्याल से सेकंड विनर थे या थर्ड विनर थे गिव अवे के, ठीक है। तो उनके अभी तक 3 पॉइंट उनके और 3 पॉइंट अंजुल अंजुल के अब तक सही सही हुए हैं, ठीक है।
भाई कह रहा यार सचिन सेन, यार ये इंस्टाग्राम पे चेक करना आंसर किसने दिया है। भाई आंसर पहला जो आया है सचिन, यार चीटिंग हो रही है। पहला आंसर यार सचिन, भाई तुम्हारा आंसर तो अभी अभी आया नहीं, सबसे पहले तो वही आया। चलो जो भी है, आगे सभी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप अगर आपका आंसर सही जा रहा है तो आप कोशिश करो, ठीक है। तो अभी इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेट्स आर इन अ वॉलीबॉल गेम। वॉलीबॉल गेम के अंदर कितने सेट होते हैं, वॉलीबॉल गेम के अंदर कितने सेट होते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन है भाई। वॉलीबॉल एडिक्शन 08, वॉलीबॉल एडिक्शन 08 का भाई पहला कमेंट है 5 सेट करेक्ट आंसर। वॉलीबॉल एडिक्शन, मैंने आपसे कहा था यार अपने नाम लिखना ईमेल पे, अभी ये वॉलीबॉल एडिक्शन का क्या नाम है ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, इनका ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और जिसको भी लग रहा है यार गलत हो रहा, अरे भाई मैं आपको इंस्टाग्राम पर देखो भाई अभी तो मैं नहीं देख सकता, बट अगर आप अभी रिस्पॉन्स करो ना, एक एक पॉइंट से कुछ नहीं होता, एक पॉइंट अगर आगे पीछे हो गया, बट अरे भाई मेरा तो अरे भाई मैं आपको इंस्टाग्राम पर भेजता हूँ यार। देखो किसी को कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, सबका सही जा रहा है, ठीक है। राइट अप माई पॉइंट, मैंने दिया आंसर, ठीक है। अभी हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, गलत बताया है। देखो जिसका भाई पहले आएगा उसी का होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है यार, कौन सुन रहा है पहले और किसने आंसर पहले दिया। अब जिसका भी अगर स्पेलिंग भी गलत है तो उसका करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। भाई पहले आंसर दिया था, भाई मैं चेक तो किसी का नहीं जाऊंगा कि किसने आंसर दिया था, बट अगर ठीक है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन, मेरा नेट स्लो चल रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इन विच वे डू द टीम रोटेट, जब टीम में हम रोटेशन करते हैं तो वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या नॉट रोटेट। रौनक शर्मा 6, उस्मान, हाँ इसमें पहला आंसर आया उस्मान का क्लॉकवाइज, उस्मान। इसमें पहला करेक्ट आंसर है उस्मान का क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, गलत है, आफ्टर मैच ओवर। एंटी क्लॉकवाइज, भाई ये सचिन सेन को यार दिक्कत हो रही है कि उनके आंसर सही नहीं जा रहे, ठीक है। बट इसमें किसी को ये नहीं सोचना कि किसके सही जा रहे हैं यार। अभी सचिन सेन का कोई भी रिस्पॉन्स आया नहीं है जब से इनकी ये क्वेश्चन को लेके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी तक इनका कोई सही भी नहीं गया।
चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेयर पोजीशन सर्व, प्लेयर कौन सी पोजीशन सर्व करता है, विच प्लेयर पोजीशन सर्व, मिडिल राइट, राइट फ्रंट या राइट बैक। आंसर है राइट फ्रंट, राइट बैक या मिडिल बैक। भाई सर, इन सब लोगों ने सारे रूल फॉलो नहीं किए हैं, इनको बाहर करो। आगे है चेतु वाईटी, मिडिल मिडिल मिडिल। भाई इसमें जो है वो है चेतु वाईटी, चेतु वाईटी राइट। अभी तक राइट बैक। हाँ, उस्मान उस्मान मिर उस्मान उस्मान का आंसर सही है। इसका आंसर है राइट बैक। राइट बैक से सर्विस की जाती है, जब भी हम कभी सर्विस कराते हैं तो राइट बैक से करवाते हैं। ठीक है, तो ये उस्मान का सही है, जिनका पिछला क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, अभी अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से 10 में से 3 विश्वास के सही हैं, दो दो अनुज के सही हैं, एक राजेश का सही है, एक वॉलीबॉल एडिक्शन करके किसी का नाम था उनका सही है, और एक दो उस्मान के सही हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, जो अभी जो भी सोच रहा है उसको रहने दो, बट देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो, मैं अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब्स्टिट्यूशन इन आ गेम आर अलाउड ऑन ईच टीम, कितने सब्स्टिट्यूशन अलाउड होते हैं हर टीम को गेम के अंदर, कितने सब्स्टिट्यूशन अलाउड होते हैं टीम को गेम के अंदर। इसके आंसर हैं 10, 5 या 12। कितने सब्स्टिट्यूशन अलाउड होते हैं गेम के अंदर, 10, 5 या 12। अभी इसमें अभी इसका भी सही पता नहीं चला, इसका जो आंसर सही आया है वो है अरमान चौबे, अरमान चौबे 12 सब्स्टिट्यूशन अलाउड होते हैं। ठीक है, गेम के अंदर किसी टीम को। ठीक है, तो कितने, अरमान चौबे, ARM अरमान चौबे, अरमान चौबे का आंसर सही था, 11 क्वेश्चन था। ठीक है, अब 12 सब्स्टिट्यूशन मतलब हाउ कितने सब्स्टिट्यूशन होते हैं गेम के अंदर, आर अलाउड फॉर ईच टीम, हर टीम कितने सब्स्टिट्यूशन कर सकती है, कितने, 12। ठीक है, गेम के अंदर, तो ये अरमान का सही था। अगला अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम आउट इन आर टीम अलाउड पर गेम, पर गेम में कितने टाइम आउट ले सकती है टीम, पर गेम में कितने टाइम आउट ले सकती है टीम, ये बताओ। उसमें ऑप्शन है 1, 10 या 2, हर गेम में कितने टाइम आउट ले सकती है। तो इसका अभी तक जो आंसर आया है वो है 1, 6, अभी 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 एक आया है बी प्रो, बी प्रो, बी प्रो का 2, 2, एक टीम एक गेम में 2 बार टाइम आउट ले सकती है, तो बी प्रो का आंसर सही है, बी प्रो 2, बी प्रो का 2। ठीक है, हमारे 12 क्वेश्चन हो गए, बी प्रो का भी आंसर सही गया था।
अब बताना है कि जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन, हाउ मैनी सेकेंड डज आर टाइम आउट लास्ट, कितने सेकंड का टाइम आउट होता है? 45 सेकंड का, 60 सेकंड का, या 30 सेकंड का? कितने सेकंड का टाइम आउट होता है? 13 क्वेश्चन है। अभी 10, 2, 2, कितने सेकंड का टाइम आउट होता है? 10, 10, 10। आयुष शाह, आयुष शाह का आया 3-0, 30। आयुष शाह 30, आयुष शाह, आयुष शाह का 1 पॉइंट। ठीक है, ये आंसर सही था आयुष शाह का। किसका सही था? आयुष शाह का। कितने क्वेश्चन, कितने सेकंड का टाइम होता है? 30 सेकंड का। तो हमारे अभी 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर वॉज वॉलीबॉल इंट्रोड्यूस टू द समर ओलंपिक, कौन से ईयर में वॉलीबॉल इंट्रोड्यूस किया गया था समर ओलंपिक में? ठीक है, कौन से ईयर में बताओ समर ओलंपिक के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था वॉलीबॉल को? ये पहला आंसर जो आया है नाइन अनुज अनुज रोडेला, भाई पहला आंसर आया है, पहला आंसर आया विश्वास का 1964 में। विश्वास के हो गए अभी तक 4 पॉइंट, विश्वास के हो गए 4 पॉइंट, अभी तक विश्वास सबसे आगे चल रहा है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए विश्वास के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल किस दे इन विच कंट्री द नेशनल कि वॉलीबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय गेम है, नेशनल गेम किस देश का है? विच कंट्री द नेशनल गेम ऑफ वॉलीबॉल। पहला आंसर आया चेतू जापान, जापान, रितेश, रितेश मैना, श्रीलंका, 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 श्रीलंका। रितेश, ये भाई ये जो सही है वो है रितेश का। रितेश ने जवाब दिया श्रीलंका। क्या जवाब दिया? श्रीलंका। रितेश का पहला श्रीलंका, रितेश का आंसर सही है। ठीक है, श्रीलंका है इसका ऑप्शन, बट 2017 में ये गेम नेपाल का, नेपाल का भी नेशनल गेम है। ठीक है, वॉलीबॉल, और श्रीलंका का भी है, इंडियन कनाडा। अभी हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बचे 5 क्वेश्चन और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बीच वॉलीबॉल एडेड ऑन द ओलंपिक, बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब ऐड किया गया था? बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब ऐड किया गया था? बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब ऐड किया गया था?
अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब ऐड किया गया था? बीच, एक मिनट, हाँ, एक राजेश, सबसे पहला जो आंसर आया हुआ राजेश रुवाली, राजेश रुवाली का आंसर आया हुआ 1996 में ऐड किया गया था। राजेश रुवाली, राजेश रुवाली का ही दूसरा पॉइंट था, ठीक है, कौन सा था ये दूसरा पॉइंट था। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेयर इन बॉल बीच वॉलीबॉल टीम, हाउ मैनी प्लेयर पीपल आर इन ईच टीम इन बीच वॉलीबॉल। तो सबसे पहला भाई जो आया है वो है अनुज रोडेला के, दो भाई, दो बीच वॉलीबॉल टीम के अंदर दो होते हैं, तो ये अनुज रोडेला, अनुज रोडेला के चार क्वेश्चन सही हैं और विश्वास के चार क्वेश्चन सही हैं, तो चार चार इनके सेम हैं, ठीक है। हमारा 17 क्वेश्चन हो गया, अब हम आता है अपना 18 क्वेश्चन। अब अपना आता है 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA, 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। आयुषा प्लीज रीचेक, 18 क्वेश्चन, हाउ, व्हाट इज द फुल फॉर्म YMCA। क्वेश्चन बोलने से पहले ही आंसर दे दिया, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन वॉलीबॉल। भाई पहला आंसर आया है राजेश रुवाली, राजेश, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, पहला आंसर है राजेश रुवाली, राजेश रुवाली का ही तीसरा पॉइंट था जो सही हुआ है, ठीक है। भाई देखो जो भी 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो भी अभी गुस्सा है, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि इलीगल हो रहा है, भाई जिसका सबसे पहला आ रहा है मैं उसी का लिख रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि एक पॉइंट आगे पीछे हुआ है तो उसके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूँगा, ठीक है 21। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सही से पार्टिसिपेट करना चाहिए। राहुल, राहुल साहिल जो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है वॉलीबॉल से रिलेटेड, भाई तेरे को लीगल तरीके से करना चाहिए था क्वेश्चन। हाँ बहुत सारे भाई, मैंने पांच क्वेश्चन पहले दिए थे, ऐसा लोगों को लग रहा यार इलीगल करना था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ वॉलीबॉल सर्व, ये वॉलीबॉल सर्व नहीं है, ये टाइप वॉलीबॉल सर्व नहीं है, ठीक है। तो पहला है अंडर हैंड, दूसरा है फ्लॉट और तीसरा है टेंडम, इन तीनों में से कौन सा वॉलीबॉल सर्व नहीं है, ध्यान से सुनो। अंडर हैंड, हाँ, राजेश राव, ये देखो सही,
देखो आप क्वेश्चन सुनते नहीं, आंसर पहले दे देते हो। अंडर हैंड लिख के आया भाई। दूसरा, तीसरा राजेश रुवाली, टेंडम। राजेश रुवाली का भाई, राजेश रुवाली का चौथा क्वेश्चन सही गया है। इस समय फर्स्ट पे चल रहे हैं भाई अंजुल, विश्वास और राजेश, सबके चार चार क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। देखो भाई बहुत सारी कमेंट आ रही हैं यार ऐसा। पहले आप देखो क्वेश्चन सुनते नहीं हो, जब आप पहले दे देते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन यार थोड़ा सुनो गौर से और फिर जवाब दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट आप रेडी रहो, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एक मिनट बोलियो। व्हेन व्हेन फर्स्ट प्लेड वॉलीबॉल, व्हेन वॉज फर्स्ट प्लेड वॉलीबॉल, कब? When was first played volleyball? पहला आंसर आया 1895 है इसका आंसर। और पहला आंसर आया है भाई इंडिया, इंडिया का फ्लैग लग रहा है, तो इनका आंसर सबसे पहला आया 1895 इंडिया, 1895 इंडिया का आंसर ये सही है इसमें। ठीक है, तो पहला आंसर इनका आया था इंडिया का। ठीक है, आगे एक सर, इंडिया का परफॉर्मेंस वॉलीबॉल एशिया कप का बहुत ख़राब चल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो मैं मैच देख रहा हूँ बट ख़राब तो चल रहा है, बट क्या कर सकते हैं यार। जो उन्होंने टीम भेजा और ऐसा सोच रहे हैं कि वो एबल हैं, कर सकते हैं, पर नहीं कर पा रहे, तो इसमें सेलेक्टर्स की गलती है। उसमें हम, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। बट उनको और कोशिश करनी चाहिए और सही से ही खेलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस गए और वैसे ही जाकर खेल लें। थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस होता है, हर चीज़ होती है, बट उनको सही से खेलना चाहिए था। चलो नेक्स्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाउ मैनी टोटल प्लेयर इन वॉलीबॉल टीम, ये हमारा 19 क्वेश्चन है। हाउ मैनी टोटल प्लेयर इन वॉलीबॉल टीम, भाई कौन सा मैच? पीपी लव 12, पीपी लव भाई इनका एक आंसर सही है। पीपी लव इनका आंसर सही गया है, पीपी लव का ये आंसर सही है। कितने प्लेयर होते हैं? 12 प्लेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए। ठीक है भाई, देखो एक इसमें सचिन सेन सैनी और दूसरा है देवराज केर। ठीक है, और भाई जिसको भी ऐसा लग रहा उसके ऊपर मैंने लिखा, देखो जिसको भी ऐसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उनकी मैं देखो भाई बात सुनूंगा बट पहले क्यूज हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री वॉज वॉलीबॉल इन्वेंटेड, वॉलीबॉल
कहाँ से इन्वेंट हुआ था, कौन सी कंट्री से? ये हमारा 20 क्वेश्चन है। अभी इन विच कंट्री वॉलीबॉल इन्वेंटेड? रीचेक, इंडिया। रीचेक भाई, इंडिया आपका तो यार एक सही गया था, मैंने एक पॉइंट लिखा था, आपने अच्छे से नहीं करा यार। फ्रॉम नाउ जो पहली कमेंट आई है फ्रॉम नाउ की है, यूएसए, यूएसए ने इन्वेंट किया था, ठीक है। फोर नाउ, फोर नाउ फर्स्ट, फोर नाउ कमेंट है यूएसए ने किया था, तो ये यूएसए में इन्वेंट हुआ था, ठीक है। बट अब देखते हैं, बहुत सारे लोग यार कह रहे हैं कि ये गलत है। देखो गलत सही तो मैं यहाँ से आपको डिसाइड नहीं कर सकता, अगर आपको जैसा लग रहा आप वैसे सोचिए, बट मेरे हिसाब से मैंने अभी तक ट्रुथ जो सच्चाई होती है उसका उसको ध्यान में रखते हुए ये क्विज करवा रहा हूँ। बट देखो ऐसा भी नहीं है कि जिस जो इस क्विज में फर्स्ट सेकंड थर्ड आया मतलब आएगा वही जीतेगा, ऐसा कोई विनर नहीं है। बट उसको ऑल ओवर चेक किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखो 20 क्वेश्चन हो गए अपने कंप्लीट, और 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अंजुल अंजुल के ठीक हैं, 4 आंसर विश्वास के ठीक हैं, और 4 राजेश के ठीक हैं, ठीक है। और एक वॉलीबॉल एडिक्शन, एक इनका ठीक है, एक दो उस्मान के ठीक हैं करेक्ट हैं, और एक इंडिया का एक करेक्ट है, एक अरमान चौबे का एक करेक्ट है, फोर नाव का एक करेक्ट है, बी प्रो का एक करेक्ट है, पी पी लव का एक करेक्ट है, आयुष शाह, आयुष शाह का 1 करेक्ट, रितेश 1 करेक्ट, ठीक है। अरे यार पहले ही आंसर आज गया है, इनको अपना क्वेश्चन दे दिया क्या? देखो मैंने किसी को क्वेश्चन कुछ नहीं दिया, ये सारे आपको पता था कि वॉलीबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर 19 क्वेश्चन रीचेक करो, मेरा फर्स्ट लिखा है भाई। अब देखो यार इतना सब लिख के आ रहे हैं, मैं कहाँ, ठीक है। देखो जिसका भी, अरे मेरा एक ठीक है, और इसकी बात पे YMCA आ जाओ दोबारा YMCA, ठीक है। चलो कोई नहीं, जिसका भी ठीक है, अभी तो 3 के हैं वो 4 ठीक हैं, बट बीच वॉलीबॉल वाला मेरा था वो आशुतोष आचार्य। देखो इसमें कोई ऑल ओवर सबको देखा जाएगा, ठीक है, जो थ्रू पहले से कौन भी ज्वाइन करता है, ठीक है। मैं अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं करूँगा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें गलत हुआ, बट मेरे हिसाब से मुझे जैसा दिखा। प्लीज़ सर टेल मी गिव अवे कैसे मिलेगा? देखो गिव अवे कैसे मिलेगा वो बात की बात है, पर गिव अवे का विनर कौन है उसको हम अब आज डिसाइड नहीं करने वाले, उसको उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा कल कि वो कौन है 3 विनर, ठीक है। वो इस हिसाब से कोई विनर नहीं है, मैं ऑल ओवर चेक होगा कि कौन विनर है और किसको दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको देंगे, ठीक है। तो आज का जो, और देखो जिसको भी ऐसा लगता है कि यार मैंने गलत किया, यार मेरा पहला आंसर आंसर आ गया था क्योंकि इनको अपने क्वेश्चन दे दिया है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड की कोई बात नहीं है, पर आप प्लेयर हो तो आपको सही करना चाहिए था, आप इंग्लिश तो सही से आपको नहीं। चलो भाई जैसा भी रहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने आयुष्यन नहीं पढ़ा सही से, ठीक है। जो भी है ये सब आपको ऐसा लग रहा है, बट आपका अगर आंसर सही आया है तो मैंने उसको सही दिया। देखो एक एक करके कितने क्वेश्चन सही गए, मैं क्यों किसी का ऐसे, मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको ऐसा गलत लगता है तो भाई लगने दो, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है अपना, ठीक है। और देखते हैं वो 3 विनर कौन होते हैं, उनका उनके ऊपर एक स्मॉल वीडियो 1 मिनट की कल मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वो कभी भी आ सकती है।
आनंद भाई, एक प्रोफेशनल वॉली प्लेयर कितना कमा लेते हो? यार देखो, कमाने की छोड़ो, वैसे भी बहुत सारी दिक्कत हो गई है, लोग ऐसे परेशान। सर मैं आपकी बात, चलो चलो ठीक है, तो टफ गियर वॉलीबॉल का अनुभव बता बताओ कैसा है। टफ गियर वॉलीबॉल यार बेस्ट बॉल, मतलब बेस्ट कह सकते हैं, मैंने यूज़ करा, अभी मैं उस बॉल को यूज़ करता हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे जो स्पॉन्सर्ड किया था, बढ़िया वॉलीबॉल है, रिपोर्ट मारो सभी। सचिन भाई, मुझे लगा सचिन है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं, ठीक है, बट गुस्से होने कोई बात नहीं है। अगर किसी को कुछ पूछना तो बताओ, नहीं तो मिलेंगे। अब जो विनर है वो, उसके ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊंगा कल 1 मिनट का, उसके अंदर डिसाइड कर देंगे कि कौन विनर है वो तीन, ठीक है। तो क्विज क्विज से हमने सही से ज्वाइन करा, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और जिसको भी गलत लगता उसके लिए सॉरी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट में, नेक्स्ट लाइव सेशन में। कल कल लाइव सेशन नहीं होगा, कल मैं आपका विनर अनाउंस करूंगा, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, और उसके पास जल्दी से जल्दी जो भी विनर का प्राइज रखा गया तो उसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।